हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि द्रोणाचार्य वध के बाद जब पांडव पक्ष में आपस में वाद विवाद होने लगा, तब किस प्रकार भीमसेन ने अर्जुन के तर्कों पर कटाक्ष किया। दृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य वध के अपने कर्म का समर्थन किया। सात्यकी तथा दृष्टद्युम्न का परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ना तथा भीमसेन, सहदेव और श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर के प्रयत्न से उन्हें शांत कराना। पिछले भाग में आपने जाना था अश्वत्थामा ने किस प्रकार अपने पिता द्रोणाचार्य के वध से क्रोधित होकर नारायणास्त्र को प्रकट करने का निर्णय लिया तथा किस प्रकार अर्जुन ने द्रोण वध को कायरतापूर्ण कर्म बताकर वहां सबको धिक्कारा। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 197। संजय बोले, हे राजन, जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य वध पर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को खरी खोटी बातें सुनाई, तब उसे सुनकर वहां उपस्थित सब महारथी मौन रह गए। उनसे प्रिय या अप्रिय कुछ नहीं बोला जा सका। हे भरत श्रेष्ठ, तब वहां उपस्थित महाबाहु भीमसेन को क्रोध चढ़ाया। उन्होंने कुंती कुमार अर्जुन को फटकारते हुए से कहा, हे पार्थ, वनवासी मुनि अथवा किसी भी प्राणी को दंड न देते हुए कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जिस प्रकार धर्म का उपदेश करता है, उसी प्रकार तुम भी यहाँ धर्म सम्मत बातें कह रहे हो, परंतु जो संकट के समय अपना तथा दूसरों का त्राण करता है अर्थात रक्षा करता है, युद्ध में शत्रुओं को क्षति पहुँचाना ही जिसका धर्म है, तथा जो स्त्रियों और साधु पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है वही क्षत्रिय है, और उसे ही शीघ्र इस पृथ्वी के राज्य, धर्म, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुम समस्त क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न और इस पांडव कुल का भार वहन करने में समर्थ होते हुए भी आज मूर्ख के समान बातें कर रहे हो, यह तुम्हें कदाचित शोभा नहीं देता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तो शचीपति इंद्र के समान है। महासागर जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी कभी अपनी धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हो। आज 13 वर्षों से संचित किए हुए उस अमर्ष अर्थात क्रोध को पीछे करके जो तुम धर्म की अभिलाषा रख बैठे हो, उसके लिए कौन भला तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। सौभाग्य की बात है कि इस समय भी तुम्हारा मन अपने धर्म का ही अनुसरण कर रहा है। धर्म से कभी न डिगने वाले मेरे भाई, तुम्हारी बुद्धि क्रूरता की ओर न जाकर जो सदा दया भाव में ही रमी रहती है, वह भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जब शत्रुओं ने अधर्म से हमारा राज्य छीन लिया, द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित किया तथा हमें वलकल अर्थात पेड़ की छाल और मृग चर्म पहनकर 13 वर्षों के लिए जो वन में निर्वासित कर दिया, हम वैसे बर्ताव के योग्य कदापि नहीं थे। हे अनघ, ये सारे अन्याय ऐसे थे, परंतु मैंने सब चुपचाप सह लिए। क्षत्रिय धर्म में आसक्त होने के कारण ही यह सब कुछ सहन किया गया है, परंतु अब उनके उन नीचतापूर्ण पाप कर्म को याद करके मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने राज्य का अपहरण करने वाले इन नीच शत्रुओं को सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। तुमने ही पहले युद्ध के लिए कहा था और उसी के अनुसार हम यहाँ आकर यथाशक्ति उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु आज तुम ही हमारी निंदा करते हो। तुम अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं जानना चाहते। तुम्हारी ये सब बातें मिथ्या ही हैं। एक तो हम स्वयं ही भय से पीड़ित हो रहे हैं, ऊपर से तुम भी अपने वाग बाणों द्वारा हमारे मर्म स्थानों को छेदे डालते हो। हे शत्रुसूदन, जैसे कोई किसी घायल मनुष्य के घाव पर नमक बिखेर दे और वह वेदना से छटपटाने लगे, उसी प्रकार तुम अपने वाग बाणों से पीड़ित करके मेरे हृदय को विदीर्ण किए डालते हो। यद्यपि तुम और हम प्रशंसा के पात्र हैं, तो भी तुम यहाँ जो अपनी और हमारी प्रशंसा नहीं करते हो, यह सब बड़ा अधर्म ही है। तुम धार्मिक होते हुए भी इस अधर्म को नहीं समझ रहे हो। हे धनंजय, श्री कृष्ण के रहते हुए भी तुम द्रोण पुत्र की प्रशंसा करते हो, जो तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। स्वयं ही अपने दोषों का वर्णन करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? आज मैं अपनी इस स्वर्ण भूषित भयंकर एवं बलशाली गदा को क्रोध पूर्वक घुमाकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को चूर चूर करके बिखेर सकता हूँ, तथा प्रचंड आंधी की तरह पर्वत पर प्रकाशित होने वाले ऊंचे वृक्ष को भी तोड़ और उखाड़ सकता हूँ। हे पार्थ, असुर, नाग, मनुष्य तथा राक्षस गणों सहित संपूर्ण देवता और इंद्र भी आज आ जाएं, तो मैं अपने बाणों द्वारा उन सबको परास्त कर दूंगा। हे अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ अर्जुन, मुझे अपना भ्राता जानकर तुम्हें द्रोण पुत्र से इस प्रकार भय नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम अपने समस्त भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो, मैं हाथ में गदा लेकर अकेला ही अश्वत्थामा को परास्त करूंगा। तदनंतर जैसे पूर्व काल में अत्यंत क्रुद्ध होकर दहाड़ते हुए नरसिंह अवतार धारी भगवान विष्णु से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने बातें कही थी,
उसी प्रकार वहां अर्जुन से पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार कहा। धृष्टद्युम्न बोला, हे अर्जुन, यज्ञ करना और कराना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, तथा दान देना और प्रतिग्रह अर्थात दान स्वीकार करना, ये छह कर्म ही ब्राह्मणों के लिए मनीषी पुरुषों में प्रसिद्ध हैं। इनमें से भला किस कर्म में द्रोणाचार्य प्रतिष्ठित थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले रखा था। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में यदि मैंने द्रोणाचार्य का वध किया है तो तुम इसके लिए मेरी निंदा क्यों करते हो? वह नीच कर्म करने वाला ब्राह्मण दिव्यास्त्रों द्वारा हम लोगों का संहार किया करता था। हे कुंती नंदन, जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के लिए माया का प्रयोग करता हो और असह्य हो उठा हो, उसे यदि कोई माया से मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? मेरे द्वारा द्रोणाचार्य के इस अवस्था में मारे जाने पर यदि यह द्रोणपुत्र क्रोध पूर्वक भयानक गर्जना करता हो तो उसमें मेरी भला क्या हानि है? मैं तो इसे कोई अद्भुत बात नहीं मान रहा हूँ। अश्वत्थामा इस युद्ध के द्वारा कौरवों को ही मरवा डालेगा, क्योंकि वह स्वयं भी उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इसके सिवा तुम धार्मिक होकर जो मुझे गुरु की हत्या करने वाला बता रहे हो, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं इसी कर्म के लिए अग्निकुंड से पांचाल राज का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ था। हे धनंजय, रणभूमि में युद्ध करते समय जिसके लिए कर्तव्य और सकर्तव्य दोनों समान हो, उसे तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कैसे कह सकते हो? हे पुरुष प्रवर, जो क्रोध से व्याकुल होकर ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से ही मार डाले, उसका सभी उपायों से वध करना भला कैसे उचित नहीं है? हे धर्म और अधर्म का तत्व जानने वाले अर्जुन, जो अपना धर्म छोड़कर पर धर्म ग्रहण कर लेता है, उस विधर्मी को धर्मज्ञ पुरुषों ने धर्मात्माओं के लिए विष के तुल्य बताया है। यह सब जानते हुए भी तुम मेरी निंदा भला क्यों करते हो? हे विभत्सो, द्रोणाचार्य क्रूर एवं नृशंस थे, इसलिए मैंने उन पर आक्रमण करके उन्हें मार गिराया, अतः मैं निंदा का पात्र नहीं हूँ। तुम फिर किस लिए मेरा अभिनंदन नहीं करते हो? हे पार्थ, द्रोण का मस्तक प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर लौकिक अग्नि सूर्य एवं विश्व के तुल्य संतप्त कर देने वाला था, अतः मैंने उसका छेदन किया है, इसके लिए तुम मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते? जिसने युद्ध के मैदान में दूसरे किसी के नहीं किंतु सर्वाधिक मेरे ही बंधु बांधवों का वध किया है, उसका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध और संताप शांत नहीं हुआ है। जिस प्रकार तुमने जयद्रथ के मस्तक को दूर फेंका था, उसी प्रकार मैंने द्रोणाचार्य के मस्तक को जो निषादों के स्थान पर नहीं फेंका, वह भूल मेरे मर्म स्थानों का छेदन कर रही है। हे अर्जुन, क्षत्रिय के लिए तो शत्रुओं का वध करना कदाचित धर्म ही है, वह युद्ध में शत्रु को मार डाले या फिर स्वयं उसके हाथ से मारा जाए। हे पांडुनंदन, द्रोणाचार्य मेरे शत्रु थे, अतः मैंने युद्ध में धर्म के अनुसार ही उनका वध किया है, ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने अपने पिता के प्रिय मित्र शूरवीर भगदत्त का वध किया था। तुम युद्ध में पितामह को मारकर भी अपने लिए तो धर्म मानते हो, किंतु मेरे द्वारा एक पापी शत्रु के मारे जाने पर भी इस कार्य को धर्म नहीं समझते, इसका क्या कारण है? हे पार्थ, जैसे हाथी पालतू होने पर लोगों को अपने ऊपर चढ़ने के लिए अपने ही शरीर की सीढ़ी बनाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ संबंध होने के कारण नतमस्तक होता हूँ, अतः तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हे अर्जुन, मैं अपनी बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों के नाते ही तुम्हारी इन सारी उल्टी या कड़वी बातों को सह लेता हूँ, दूसरे किसी कारण से नहीं। द्रोणाचार्य के साथ मेरा वंश परंपरागत वैर चल रहा है, जो सदा से ही प्रसिद्ध है, उसे यह सारा संसार जानता है, तो क्या तुम पांडवों को इसका पता नहीं है? हे अर्जुन, तुम्हारे बड़े भाई पांडुनंदन युधिष्ठिर असत्यवादी नहीं है और न मैं ही अधर्मी हूँ। द्रोणाचार्य पापी और शिष्य द्रोही थे, वे इसीलिए मारे गए, अतः तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो, विजयश्री अब तुम्हारे हाथ में ही है। द्रोण पर्व अध्याय 198। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जिन महात्मा ने विधि पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिन लज्जाशील सत्पुरुष में साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थे, उन्हीं द्रोणाचार्य की वह पापी नृशंस गुरुघाती धृष्टद्युम्न सबके सामने निंदा कर रहा था और वे लोग क्रोध भी प्रकट नहीं करते थे। धिक्कार है क्षत्रियों पर और धिक्कार है उनके अमर्षशील स्वभाव पर। हे संजय, भूमंडल के जो जो धनुर्धर नरेश वहां उपस्थित थे, उन सबने तथा कुंती के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न की बातें सुनकर उससे क्या कहा, यह सब तुम मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे राजन, क्रूरकर्मा द्रुपद पुत्र की वे बातें सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी नरेश मौन ही रहे, किंतु अर्जुन टेढ़ी नजरों से उसकी ओर देखकर आंसू बहाते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए इतना ही बोले कि धिक्कार है, धिक्कार है। हे राजन, उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव,
श्री कृष्ण तथा अन्य लोग भी अत्यंत लज्जित से हो चुप ही बैठे रहे, परंतु सात्यकी इस प्रकार बोल उठे, क्या यहाँ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस प्रकार अभद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले इस पापी निराधम अर्थात दृष्टद्युम्न को शीघ्र ही मार डाले। हे दृष्टद्युम्न, जैसे ब्राह्मण चांडाल की निंदा करते हैं, उसी प्रकार ये पांडव उस पाप कर्म के कारण अत्यंत घृणा प्रकट करते हुए तेरी निंदा कर रहे हैं। यह महान पाप करके तू समस्त श्रेष्ठ पुरुषों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन गया है। साधु पुरुषों की इस सभा में पहुंचकर ऐसी बातें करते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आती है? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते और तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? ओ नीच, गुरु की निंदा करते हुए तेरा इस पाप से पतन क्यों नहीं हो जाता? तू एक पाप कर्म करके यहाँ जनमानस में जो इस प्रकार अपनी बड़ाई कर रहा है, इसके कारण तू कुंती के सभी पुत्रों तथा अंधक और वृष्णि वंश के यादवों द्वारा निंदा के योग्य हो गया है। पाप कर्म करके तू पुनः अपने गुरु पर ही आक्षेप कर रहा है, अतः तू वध करने के ही योग्य है। अब एक मुहूर्त भी तेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। हे पुरुषाधम, तेरे सिवा भला दूसरा कौन श्रेष्ठ पुरुष अपने धर्मात्मा सज्जन गुरु के केश पकड़कर उनके वध का विचार भी मन में लाएगा? तुझ जैसे कुलांगार को पाकर तेरी 7 पीढ़ी पहले के और 7 पीढ़ी आगे के होने वाले बंधु बांधव नरक में डूब गए हैं तथा सदा के लिए सुख से वंचित हो गए हैं। तूने जो कुंती कुमार अर्जुन पर नरश्रेष्ठ भीष्म के वध का दोष लगाया है, वह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि महात्मा भीष्म ने स्वयं ही उस प्रकार अपनी मृत्यु का विधान किया था। वास्तव में भीष्म का वध करने वाला भी तेरा महान पापाचारी भाई अर्थात शिखंडी ही है। इस पृथ्वी पर पांचाल राज के पुत्रों के सिवा दूसरा कोई ऐसा पाप करने वाला नहीं है। यह भी प्रसिद्ध है कि उसे भी तेरे पिता ने भीष्म का अंत करने के लिए उत्पन्न किया था। उन्होंने महात्मा भीष्म की मूर्तिमान मृत्यु के रूप में शिखंडी को सुरक्षित रखा था। तू और तेरा भाई दोनों समस्त साधु पुरुषों के धिक्कार के पात्र हैं। तुम दोनों को पाकर सारे पांचाल धर्म भ्रष्ट नीच मित्र द्रोही तथा गुरु द्रोही बन गए हैं। यदि तू पुनः मेरे समीप ऐसी बात बोलेगा तो मैं अपनी वज्रतुल्य गदा से तेरा मस्तक कुचल दूंगा। तुझ ब्रह्म हत्यारे को देखकर लोग अपने प्रायश्चित के लिए सूर्य देव का दर्शन करते हैं। हे दुराचारी पांचाल, तू मेरे आगे मेरे ही गुरु तथा मेरे गुरु के भी गुरु पर बारंबार आक्षेप कर रहा है, तो भी तुझे लज्जा नहीं आ रही? तू यहाँ खड़ा रहे, मैं अभी तुझ पर अपनी गदा से प्रहार करूंगा, फिर तू भी मुझ पर अपना पराक्रम दिखाना। हे राजन, सात्वत वंशी सात्यकी के इस प्रकार कठोर वचनों से आक्षेप करने पर दृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठा। फिर वह भी क्रोध में भरे हुए सात्यकी से तिरछी हंसी से हंसते हुए इस प्रकार बोला। दृष्टद्युम्न ने कहा, अरे माधव अर्थात सात्यकी, मैं तेरी सब बात सुनता हूँ और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूँ। दुष्ट और अनार्य पुरुष सदा साधु जनों पर ऐसे ही आक्षेप करने की इच्छा रखते हैं। यद्यपि लोक में क्षमा भाव की ही प्रशंसा की जाती है, तथापि पापात्मा मनुष्य कभी क्षमा के योग्य नहीं होते, क्योंकि क्षमा करने पर वह पापात्मा पुरुष क्षमा करने वाले पुरुष को ऐसा समझ लेता है जैसे वह मुझसे परास्त होकर मुझे क्षमा कर रहा है। तू स्वयं ही दुराचारी नीच और पापपूर्ण विचार रखने वाला है। नख से शिखा तक अर्थात पैर से सर तक तू पाप में डूबा होने के कारण निंदा के योग्य है, तथापि यहाँ दूसरों की निंदा करना चाहता है। जब भूरिश्रवा की बाह काट डाली गई थी, वे आमरण उपवास का नियम लेकर चुपचाप बैठे हुए थे, उस दशा में सबके मना करने पर भी जो तूने उनका वध किया, उससे बढ़कर महान पाप कर्म और क्या हो सकता है? अरे ओ क्रूर, मैंने तो पहले ही युद्ध के मैदान में दिव्यास्त्र द्वारा द्रोणाचार्य को मत डाला था, फिर वे हथियार डालकर मारे गए, तो उसमें मैंने कौन सा पाप कर डाला? हे सात्यकी, जो युद्ध स्थल में मुनि व्रत का आश्रय ले आमरण उपवास का निश्चय करके बैठ गया हो, जो अपने साथ युद्ध न कर रहा हो तथा जिसकी बाह भी शत्रुओं द्वारा काट डाली गई हो, ऐसे पुरुष को जो मार सकता है, वह दूसरे की निंदा भला कैसे कर सकता है? जिस समय पराक्रमी भूरिश्रवा तुझे लात से मारकर पृथ्वी पर घसीट रहा था, तब भी तू बड़ा श्रेष्ठ पुरुष था, तो उसी समय उसे क्यों नहीं मार डाला? जब अर्जुन ने पहले ही प्रतापी शूरवीर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा को परास्त कर दिया था, उस समय तूने उनका वध किया था। तू कितना नीच है द्रोणाचार्य! जहाँ जहाँ पांडव सेना को खदेड़ते थे, वहीं वहीं मैं जा पहुँचता और सहस्त्रों बाणों की वर्षा करके उनसे युद्ध करता था। जब तू स्वयं ही किसी चांडाल के समान ऐसा पाप कर्म करके निंदा का पात्र बन गया है, तब दूसरे को कटु वचन सुनाने का तू भला कैसे अधिकारी हो सकता है? हे वृष्णि कुल कलंक, तू ही ऐसे ऐसे पाप करने वाला
और पाप कर्मों का भंडार है, मैं नहीं। अतः अब फिर ऐसी बातें तुझे नहीं कहनी चाहिए। तू मुझसे जो कुछ कहता है वह तेरी बड़ी भारी नीचता है। यदि मूर्खतावश तू पुनः मुझसे ऐसी कठोर बातें कहेगा तो युद्ध में अपने बाणों द्वारा मैं तुझे अभी यमलोक भेज दूंगा। ओ मूर्ख, केवल धर्म से ही युद्ध नहीं जीता जा सकता, उन कौरवों ने भी जो अधर्मपूर्ण चेष्टाएं की हैं उन्हें भी तनिक सुन ले। हे सात्यके, सबसे पहले पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अधर्म पूर्वक छला गया, फिर अधर्म से ही द्रौपदी को अपमानित किया गया। ओ मूर्ख, समस्त पांडवों को जो द्रौपदी के साथ वन में भेज दिया गया और उनका सर्वस्व छीन लिया गया, वह भी अधर्म का ही कार्य था। शत्रुओं ने अधर्म से ही छलकर मदराज शल्य को अपने पक्ष में खींच लिया और सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को भी अधर्म से ही मार डाला था। युद्ध में भीष्म जी भी अधर्म से ही मारे गए हैं। तूने भी अधर्म से ही भूरिश्रवा का वध किया है। हे सात्वत, इस प्रकार धर्म के जानने वाले वीर पांडवों तथा उन कौरव शत्रुओं ने भी युद्ध के मैदान में अपनी विजय को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर अधर्मपूर्ण बर्ताव किया है। सबसे उत्तम धर्म का स्वरूप जानना अत्यंत कठिन है। धर्म असल में क्या है, इसे समझना भी सरल नहीं है। अब तू कौरवों के साथ पूर्ववत युद्ध कर, मुझसे विवाद करके पितृलोक में जाने की तैयारी न कर। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार कितने ही क्रूर एवं कठोर वचन दृष्टद्युम्न ने सात्यकी को सुनाए। उन्हें सुनकर सात्यकी की क्रोध से आंखें लाल हो गई और उन्होंने सर्प के समान लंबी सांस खींचकर धनुष को रथ पर रख दिया और हाथ में गदा उठा ली। फिर वे दृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर बड़े रोष से इस प्रकार बोले, अब मैं तुझसे किसी प्रकार के कठोर वचन नहीं कहूंगा, तू वध के ही योग्य है, अतः आज तुझे मार ही डालूंगा। हे राजन, महाबली अमर्षशील एवं अत्यंत क्रोध में भरे हुए यमराज के समान सात्यकी जब सहसा कालस्वरूप दृष्टद्युम्न की ओर बढ़े, तब श्रीकृष्ण की आज्ञा से महाबली भीमसेन ने तुरंत ही रथ से कूदकर उन्हें दोनों हाथों से रोकने लगे। क्रोधपूर्वक आगे बढ़ते और झपटते हुए बलवान सात्यकी को महाबली पांडुपुत्र भीम ने थामकर उसके साथ साथ चलना आरंभ किया। फिर भीम ने खड़े होकर अपने दोनों पैर जमा लिए और बलवानों में श्रेष्ठ सात्यकी को छठे कदम पर ही बलपूर्वक रोक लिया। हे राजन, इतने में ही सहदेव भी तुरंत ही रथ से कूद पड़े और महाबली भीमसेन के द्वारा पकड़े गए सात्यकी से मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे माननीय पुरुष सिंह, अंधक और वृष्णी वंश के यादवों तथा पांचालों से बढ़कर दूसरा कोई यहाँ हम लोगों का मित्र नहीं है। इस प्रकार अंधक और वृष्णी वंश के लोगों का भी, विशेषतः श्री कृष्ण का, हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है। हे वार्ष्णेय, पांचाल भी यदि समुद्र तक की सारी पृथ्वी खोज डालें तो भी उन्हें दूसरा कोई वैसा मित्र नहीं मिलेगा जैसे उनके लिए पांडव और वृष्णी वंश के लोग हैं। आप लोग जैसे हमारे मित्र हैं, वैसे ही हम भी आपके हैं। सब धर्मों के ज्ञाता हे शिनी प्रवर, इस प्रकार मित्र धर्म का विचार करके आप दृष्टद्युम्न की ओर से अपने क्रोध को शांत कीजिए। आप दृष्टद्युम्न के और दृष्टद्युम्न आपके अपराध को क्षमा कर डालें। हम लोग केवल क्षमा प्रार्थना करने वाले हैं। शांति से बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु भला क्या हो सकती है। हे राजन, जब सहदेव सात्यकी को इस प्रकार शांत कर रहे थे, उस समय पांचाल राज के पुत्र दृष्टद्युम्न ने हंसकर इस प्रकार कहा, हे भीमसेन, शिनी के इस पौत्र को अपने युद्ध कौशल पर बड़ा घमंड है, तुम इसे छोड़ दो। जैसे हवा पर्वत से आकर टकराती है, उसी प्रकार यह मुझसे आकर भिड़े तो ही उत्तम है। हे कुंती नंदन, मैं अभी तीखे बाणों से इसका क्रोध उतार देता हूँ, साथ ही इसका युद्ध का हौसला और इसका जीवन भी समाप्त किए देता हूँ। परंतु इस समय पांडवों का महान कार्य उपस्थित हो गया है, ये समस्त कौरव बढ़े चले आ रहे हैं। यदि केवल अर्जुन ही युद्ध के मैदान में इन समस्त कौरवों को रोक ले, तब मैं भी अपने बाणों द्वारा इस सात्यकी का मस्तक काट गिराऊंगा। ये मुझे भी इस रणभूमि में कटी हुई बाह वाला भूरिश्रवा ही समझता है। तुम इसे छोड़ दो, या तो मैं इसे मार डालूंगा या यह मुझे। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्रता पूर्वक महान प्रयत्न करके उन दोनों वीरों को रोका था। क्रोध से लाल आंखें किए हुए उन दोनों महाधनुर्धरों को रोककर वे क्षत्रिय शिरोमणि वीर समर भूमि में युद्ध की इच्छा से आते हुए शत्रुओं का सामना करने के लिए आगे बढ़ चले। द्रोण पर्व का 198वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया, तब वहाँ किस प्रकार के भीषण संहार का दृश्य उत्पन्न हुआ। उस अस्त्र के निवारण का रहस्य जब श्री कृष्ण ने बताया, तब भी भीमसेन ने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है,
कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।